एक जुल्लाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुल्लाहा घबराया, अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ ना सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा फुर्र फुर्र, और वह फुर्र फुर्र बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुल्लाहे की फुर्र फुर्र सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वह जुल्लाहे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, आगे से तुम ऐसा कहना पकड़ो पकड़ो। जुल्लाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपये गिन रहे थे। जुल्लाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुल्लाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो, हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए इसको रखो ढेरो लाओ, समझे? जुल्लाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो ढेरो लाओ। जब वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहां गांव वाले सवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुल्लाहे को कहते सुना, इसको रखो ढेरो लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो? तुम्हें कहना चाहिए यह तो बड़े दुख की बात है। जुल्लाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुल्लाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो, और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुल्लाहा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुल्लाहा थक भी गया था, वह वहाँ सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुल्लाहा हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था, और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुल्लाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपनी मनोदशा और परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्दों और व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। जुल्लाहा अपनी घबराहट में बार बार बदलते संदेशों के कारण विभिन्न स्थितियों में गलत फहमियों का शिकार होता है, और अंत में उसे उसी शब्दों का सही मतलब समझ में आता है जो उसने पूरी यात्रा में बार बार बोले थे। यह कहानी दिखाती है कि जीवन की अनिश्चितताओं और बदलावों को समझना और उनकी वास्तविकता को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।